इस वाले डब्बे के अंदर वर्ल्ड के काफी सारे फर्स्ट स्मार्टफोन्स हैं। एक्चुअली वर्ल्ड के फर्स्ट तो काफी मोटे मोटे डब्बे थे, बट इसमें काफी एक्सपेरिमेंटल स्मार्टफोन्स हैं। जिन लोगों को आइडिया नहीं है हम किस टाइम के स्मार्टफोन्स की बात कर रहे हैं, ये वही टाइम था जब पतली पिन वाले चार्जर, मोटी पिन वाले चार्जर और इस टाइप के आड़े टेढ़े अडैप्टर हुआ करते थे, जो कंपनी ने काफी अलग अलग चीजें ट्राई करने की कोशिश करी और हमने इन सबको काफी ज्यादा मेहनत से इकट्ठा कर रहे, सबके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट। ये वाला आईफोन ये इसमें फ्लैश जला रखी है, बट एक करके बोलते हैं, सबसे पहले ये वाला डेफिनेटली एक गेम चेंजर है। ये एप्पल का पहला स्मार्टफोन है, ये वाला अभी लेटेस्ट आईफोन है और इसकी स्क्रीन में पूरा समा जा रहा है। ये वाला आईफोन 1 है कि छोटा सा कैमरा पूरी, इसमें एक मेटल बिल्ड थी नीचे की साइड पे, छोटा सा प्लास्टिक था। 29 जून 2007 में ये इसका जन्म हुआ था और अभी भी एप्पल काफी हद तक सिमिलर चीजें यूज कर रहा है। साइड में वॉल्यूम रॉकर्स है, एक ये स्विच रहता है म्यूट वाला और इसमें अभी भी सेम वाइब्रेशन होती है जब आप इसको म्यूट करते हो, बट अब इसको ऑन करने का टाइम आ गया है। ओ भाई स्लाइड करते हैं, छोटे छोटे आइकन मेरे हाथ में भाई कैसे बच्चा सा लग रहा है, बट ऑनेस्टली बताऊं ये कर्व्ड एजेस और ये फील बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे हाथ के लिए बनाया हुआ है स्पेसिफिकली। और अभी भी बैटरी को छोड़ के इसमें सारी चीजें मस्त काम कर रही हैं। हल्का सा डिले रहता है सेटिंग्स फॉलो हो गई और सारी चीजें, पर जो रबर बैंड वाला इफेक्ट आता है स्क्रॉल करने पे, ये आईफोन में ही पहली बार देखने के लिए मिला। उस टाइम पे म्यूजिक होना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, इसमें आईट्यून्स था, ऊपर से कुछ स्लाइड करने का ऑप्शन नहीं है, नीचे से भी आप कुछ स्लाइड नहीं कर सकते, बट इंटरफेस और सारी चीजें अभी भी काफी हद तक सेम लाइंस पे। जब ये रिलीज हुआ था तब स्टीव जॉब्स ने चढ़ के स्टेज पे बोला था कि ये 5 साल आगे की टेक्नोलॉजी है और अब समझ में आता है भाई 100% हाँ, जो इंटरनेट मल्टीमीडिया सारी चीजों को एक साथ जोड़ के एक छोटे से फोन में दे रहा था। होम बटन था, इतनी बड़ी स्क्रीन ही नहीं होती भाई स्मार्टफोन में उस टाइम पे, क्वालिटी वाली कीपैड वाले स्मार्टफोन आते। स्पेक्स अभी आपको सुनाएंगे तो काफी ज्यादा हिल जाएंगे, एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा, 1100 mAh बैटरी, काफी तगड़ा प्रोसेसर तगड़ा नहीं था कैमरा खोल लिया चाय 1 2 3 ओ भाई ये कैसे दिख रहा है, अरे देवेंद्र भाई स्मार्ट लग रहे हो भाई, ये करना इतना मस्त लगता है। वेरी एक्साइटमेंट दोस्तों, पहले स्मार्टफोन में मजा सा आ गया है, बिल्कुल मजाक नहीं, चलती कंडीशन में आईफोन 1 ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल, हमने काफी ज्यादा मेहनत करी है। नेक्स्ट वाला अपनी पेटी से निकाल लिया चाय, मस्त लग रहा है कि नहीं। जिन्हों याद नहीं है नोकिया एक टाइम पे टॉप पे था स्मार्टफोन मार्केट में और काफी हैवी ड्यूटी तगड़े फोन्स निकाले जाते थे, बट कुछ एक्सपेरिमेंटल फोन्स भी होते थे और ये उन्हीं में से एक स्मार्टफोन है। आप लोगों को लग रहा हो ये तो काफी नॉर्मल सा है, बैक साइड में कैमरा है, बैटरी वैटरी भी है और कीबोर्ड दे रखा है नॉर्मल वाला, बट उस टाइम पे दिक्कत ये आती थी कि भाई इस कीबोर्ड में टाइप करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती, एक एक बटन 3-4 बार दबाना पड़ता तब जाके जानो वो मैसेज टाइप हो रहे थे, बट इसमें एक छोटा सा फीचर था, पंख खुल गए दोस्तों चिड़िया के बैक साइड से, ऐसा सा लग रहा है ये इसका कीपैड है और ये पूरा अनफोल्ड होके एक बड़ा वाला कीबोर्ड बन जाता है। वेरी नाइस, वेरी फास्ट टाइपिंग। और इसमें हम नोटिस करोगे ऊपर की साइड पे भी 2-2 बटन है, आप सोचो कि ये किस लिए दिए हुए, जब इसको अनफोल्ड करते हो तो ये चारों बटन दोनों हाथ से आप बड़े आराम से यूज कर सकते हो। रुको एक मस्त चीज सुना दो, ओ भाई बहुत ही नॉस्टैल्जिक, दिल पैसे हिट करने लगी है चीजें। उस टाइम पे एप्लीकेशंस होना ही किसी एक स्मार्टफोन में काफी एक बड़ी बात होती थी और इसमें कलेक्शंस में अगर आप जाओगे तो काफी सारी एप्लीकेशंस होती थी, कन्वर्टर है, वर्ड क्लॉक है, उसके बाद आउटलुक पे आप टाइप कर सकते थे, ईमेल्स का रिप्लाई कर सकते थे और भाई बाउंस वाली गेम आप सब लोगों ने खेली होगी, वो पानी में से तैर के जा रहे हैं ऊपर नीचे आगे पीछे और मर गए क्या। इस वाली सीरीज में एक फीचर था जिसमें आप ब्लैकबेरी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते थे और ये किसी और फोन में नहीं आता, इसके बाद MMS भेजना है, फिर उसके बाद ईमेल है और ये सारी चीजें उस टाइम पे किसी भी स्मार्टफोन में अवेलेबल नहीं थी। अभी टाइप करके देख लेते भाई, क्वर्टी कीबोर्ड के मजे भाई देख रहे हो क्या, भाई ने क्या बढ़िया टाइपिंग करी है। एक सेकंड में ओपन, एक सेकंड में क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। मेरे को पता है आप लोगों को स्पेक से बहुत ही ज्यादा प्यार है, इसमें 3.5 MB स्टोरेज है एक काफी स्टैंडर्ड 330 आवर्स का स्टैंड बाय टाइम है, आजकल किसी भी स्मार्टफोन से कंपेयर करो मजाक लगता है। 2 हफ्ते आप इस वाले स्मार्टफोन को बिना चार्ज के चला सकते,
भाई क्या मजाक हो रहा है भाई, इसका भी कैमरा चलाएंगे? ओ भाई मेरे को मस्त चीज की, रुक 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 भाई, इस वाले स्मार्टफोन ने फ्यूचर देखा था भाई। स्टैंडर्ड फोटो, पोर्ट्रेट फोटो, नाइट फोटो, 2021 में आगे भी यही कर रहे हैं भाई। वाह क्या क्वालिटी है भाई, मजा ही आ जाएगा दोस्तों आपको इस क्वालिटी में जो फोटो आएंगी ना जब। ओहो क्या गजब बेकार फोटो खींच रहा है भाई। ये हमने फोटो खींचे, इस घास को देख के वेजिटेरियन लोग चिकन खाने लग जाएंगे। इसमें भाई SMS रिसीव हो रहा है, भाई ने अपनी सिम डाल दी है इसके अंदर। को कॉल कर रहे थे, वो कॉल आ रही है, कॉल आ रही है, कॉल आ रही है। अंज कैसे हो भाई तुम? अरे बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बढ़िया हूँ भाई, वीडियो रिकॉर्ड करी जा रही है भाई, क्लिक बेट कैसे चल रहा है? एक्चुअली काफी अच्छी बात हो जा रही थी है। इस वाले स्मार्टफोन में हमने अभी जस्ट नोटिस करा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी डाल रखा भाई। नेक्स्ट वाले दो हमारे स्मार्टफोन हैं, ये दोनों ही स्मार्टफोन नोकिया के काफी ज्यादा चले थे अपने टाइम के ऊपर, और ये वाला मस्त स्लाइड करने वाला ऐसा लगता है, ओ भाई क्या फ्यूचरिस्टिक आ गया। बट सबसे बड़ा स्लाइड होने वाला एक्सपेरिमेंट, इसको निकालने में मजा आ रहा ये भाई। ओ ये वाला फोन शायद कुछ लोगों को याद हो, ये जब पहला IPL हुआ था उस टाइम पे रिलीज हुआ था ये वाला स्मार्टफोन। ये काफी हद तक एक स्मार्टफोन जैसा लगेगा, बट नोकिया एक टैबलेट बनाने की कोशिश कर रहा था। इस वाले स्मार्टफोन के अंदर कोई सिम नहीं था, और अभी के लिए काफी छोटा सा लग रहा है, बट उस टाइम के लिए ये स्क्रीन बहुत ही ज्यादा बड़ी हुआ करती थी। इसमें ना नीचे से ये खुल भी जाता है, और ये इसमें इनबिल्ट स्टैंड है। ओहो बढ़िया, टाइपिंग वाइपिंग करी। आजकल फोन में नॉच वॉच आने लगी, इसमें नॉच तो अलग से बटन लगा रखे नॉच की जगह, और साइड में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक लाइट है, ये एक नोटिफिकेशन LED है, या फिर और भी कुछ काम हो आपको तो उससे भी यूज कर सकते हो। ये पूरे टैबलेट की तरह ही बनाया गया इसको, इसमें ये स्टाइलस है, और हमने कैमरा चला दी भाई, क्या ही अलग ही लेवल क्वालिटी आ रही है। सिर्फ अबे बंद क्यों हो गया, अबे नहीं ये हरी वाली लाइट जल रही है चार्जिंग की। ऑन कर दिया भाई, ऑन कर दिया, नोकिया आ गया बड़ा बड़ा लिखा हुआ। ओए हाथ आ गए भाई। इसमें पता है काफी इंटरेक्टिव सा इंटरफेस था, आप ऐसे चीजों को लेके इधर उधर मूव कर सकते हो, यहाँ तो क्लॉक को यहाँ पे एडजस्ट करना है, काफी हद तक विंडोज की तरह ना मेरे को फील आ रही है। और टैबलेट वाले इसमें पूरा होता, स्काइप भी था इसके अंदर, साउंड वाउंड चेंज करने का बटन यूज करना तो डायरेक्टली यहाँ से कर सकते थे। इसमें लिटरली एक टर्मिनल है, उसमें आप कमांड प्रॉम्प्ट और सारी चीजें कर सकते हो भाई। इंटरनेट से भी कनेक्ट हो गया, हरी बत्ती जल गई ऊपर की तरफ, फेसबुक खुल गया, फेसबुक चलियो लोड। ओ भाई ये चल गई है, मोबाइल से भी सस्ती वाली वेबसाइट, GPRS वाले मोबाइल नहीं होते थे भाई, वही चलता था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे वाईफाई होना स्मार्टफोन्स में ही बड़ी बात होती थी, ये नया ही स्मार्टफोन था जिसमें वाईफाई और सारी चीजें थी, मल्टीटास्किंग भी हो जाती थी, मैप है, मीडिया प्लेयर है, इमेजेस है। एक वियर्ड चीज मेरे को ये लगी, बैक साइड में कोई कैमरा नहीं, फ्रंट साइड में एक कैमरा दे रखा है सेल्फी वेल्फी खींचने के। उस टाइम पे ऐसा था प्रोडक्टिविटी के लिए मेरे ख्याल से बना हुआ, बट अब बस खिलौना बन के रह गया है। ये में भी है भाई, इसमें तेजी से खेल लेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे, डबल टैप ट्रिपल टैप, भाई रिस्पॉन्सिव था, मजा तो आ रहा है भाई यूज करने में, कोई अलग बात नहीं है। उस टाइम में काफी महंगे स्मार्टफोन थे भाई। आखिरी स्मार्टफोन का टाइम आ गया फ्रेंड्स, ये वाला नोकिया का एंगेज है, और इस वाली लिस्ट में काफी सारे नोकिया के स्मार्टफोन्स हैं। अभी हम गेमिंग फोन देखते हैं, ROG फोन है, IQ है, और काफी सारे हैं अलग अलग फीचर्स डाल रखे, बट ये नोकिया का गेमिंग फोन था। जब हम में से कुछ लोग पैदा हुए थे तब ये स्मार्टफोन रिलीज हुआ 2003 में, एक गेमिंग फोन। उस टाइम पे गेम क्या होते थे भाई, स्नेक खेल रहे होते थे लोग। चार्जर हमने ज्यादा दिखाई नहीं, एक पतली पिन वाला चार्जर आता था, एक मोटी पिन वाला। अब थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज हो गया, चार्जिंग तो बढ़िया हो रही है, पर इसको बस चेक करना ऑन कैसे कर जाए, कौन सा चीट कोड है इसको ऑन करने, कहां पे ऑन बटन। एक बिल्कुल ही एक्सपेरिमेंटल फोन था, क्योंकि उस टाइम पे एकदम स्क्वायर डिजाइन में फोन आते थे, और एक ऐसा स्मार्टफोन बनाना जो ऐसी आड़ी टेढ़ी शेप में, एक गेमिंग कंसोल जैसा, और गेम खेलते टाइम आप ऐसे पकड़ोगे, और ऊपर की साइड में दोनों पोर्ट्स लगा रखे, और दूसरा जो पोर्ट है मेमोरी कार्ड में गेम इंस्टॉल करने का वो नीचे की साइड पे। ये ऑलमोस्ट पहला ही स्मार्टफोन था, उस टाइम पे बड़े बड़े मेमोरी कार्ड आते थे, और ये ऑलमोस्ट पहला ही स्मार्टफोन था जिसमें एक SD कार्ड लगता था, बड़ा वाला अजीब सा कार्ड लगता था, SD कार्ड भी नहीं होता एक्चुअली, बट उसमें आप गेम इंस्टॉल करके खेल सकते हो। अलग से गेम खेलते हुए बनाया तो बताना, बट अभी हल्का सा यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ये वाला स्मार्टफोन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेफ्ट साइड में कॉन्टैक्ट्स, राइट साइड में गेम, बस गेम खेलने के लिए भाई को बनाया गया। उस टाइम पे भाई कलर्ड स्क्रीन ही बहुत बड़ी बात होती थी, पर इसमें भाई काफी सारी चीजें हैं, इसमें मेन्यू में भाई अलग अलग डाल रखे हैं। 2003 का स्मार्टफोन है भाई, उस टाइम में जिन लोगों को पता नहीं है इस टाइप के स्मार्टफोन हुआ करते थे। पूरे UI सारा गेमिंग सेंट्रिक है पूरा भाई, कंपोजर भी है, कंपोजर चलाते हैं भाई, प्ले करके देखेंगे भाई।
डीजे बन चुके हैं। इस बार स्मार्टफोन में मेमोरी कार्ड डाल गेम चलानी पड़ी। अभी मेमोरी कार्ड हम जुगाड़ नहीं पाए, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इतने पुराने चलती कंडीशन में स्मार्टफोन ढूंढना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो, बट हम आपके लिए खोज पे निकल गए थे और होपफुली आप लोगों को पसंद आया यार वीडियो। पुरानी चीजों को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे थे और हमको काफी ज्यादा मजा आया। अच्छी अगर लगी हो वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।